शाहरुख खान ने अपनी नेक्स्ट फिल्म की कंफर्म। लास्ट ईयर 3 ब्लॉकबस्टर्स देने के बाद क्या एसआरके वाकई किंग में आएंगे नजर? खुद किंग खान ने अपनी अगली फिल्म को लेकर किया ये बड़ा खुलासा और किंग के लिए बज को और बढ़ाया। वेल, शाहरुख खान ने पिछले साल ऑडियंस को एक नहीं बल्कि 3 मास एंटरटेनर्स पठान, जवान और डंकी के साथ एंटरटेन किया और जिसके बाद से लोगों को उनकी नेक्स्ट फिल्म का इंतजार बेसब्री से होने लगा। जबकि इस बीच एसआरके का नाम किंग के साथ जोड़ा गया, जिसमें वो रिपोर्टेडली अपनी डॉटर सुहाना खान के साथ फर्स्ट टाइम स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगे। ऐसे में ये प्रोजेक्ट लगातार सुर्खियों में बना रहा। अब एसआरके ने खुद इस प्रोजेक्ट को लेकर बिग अपडेट शेयर किया है। उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वो नेक्स्ट डायरेक्टर सुजॉय घोष की किंग कर रहे हैं। रिसेंटली 77th लोकर्नो फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए एसआरके ने एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान अपनी अपकमिंग एक्शन मूवी के बारे में बात की जो वो सुजॉय घोष के साथ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एसआरके ने ऑफिशियली अनाउंस किया, द नेक्स्ट फिल्म दैट आई एम डूइंग इज किंग, आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, लूज सम वेट, स्ट्रेच अ लिटिल सो माय ग्रोइंस डोंट गेट कॉट व्हाइल आई एम डूइंग एक्शन। फेस्टिवल में पार्डो आला कैरियरा अवार्ड रिसीव करने वाले किंग खान ने अपने इंटरेक्शन में ये भी मेंशन किया कि वो पिछले कुछ सालों से इस प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे थे। एसआरके ने कहा कि पिछले साल जवान और डंकी कंप्लीट करने के बाद वो इस तरह की फिल्म करना चाह रहे थे। किंग की तरफ हिंट करते हुए उन्होंने कहा, नाउ देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म आई वांट टू डू, वेयर मे बी इट इज मोर एज सेंट्रिक एंड आई वांट टू ट्राई समथिंग फॉर 6 to 7 इयर्स, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट, आई मेंशनड इट टू सुजॉय वन डे एंड ही सेज सर आई हैव अ सब्जेक्ट। शाहरुख ने तो अब ऑफिशियली किंग करने की बात कंफर्म कर दी है, लेकिन फिल्म में और कौन कौन से स्टार्स हैं इस पर कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि कई नाम सुर्खियों में है रिपोर्टेडली, जहां किंग सुहाना के लिए बिग स्क्रीन पर डेब्यू होगी और ये फिल्म नवंबर में फ्लोर्स पर जाने की उम्मीद है। वहीं किंग में अभिषेक बच्चन एक विलेनस कैरेक्टर में नजर आ सकते हैं। खबरों के मुताबिक मुंजिया एक्टर अभय वर्मा को भी इस मच एंटिसिपेटेड फिल्म में की रोल के लिए कास्ट किया गया है, जिनके कैरेक्टर की डिटेल्स को अंडर रैप्स रखा गया है। लेकिन किंग के ऐलान के बाद से फैंस और ऑडियंस में किंग को लेकर एंटिसिपेशन और तेज हो गया है। जैकलिन फर्नांडिस के बर्थडे पर कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें दिया एक खास गिफ्ट। जेल में कैद सुकेश ने कैसे अपनी लेडी लव का बर्थडे किया है सेलिब्रेट और जैकलिन को दिया कौन सा एक्सपेंसिव गिफ्ट, जिसे मिल रही है खूब हाईलाइट। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने अपना 39th बर्थडे 11th अगस्त को सेलिब्रेट किया और इस सो स्पेशल ओकेजन पर उनके एलिजिड बॉयफ्रेंड और कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें रिपोर्टेडली कई गिफ्ट देकर सरप्राइज किया है। Yes, you heard it absolutely right. दिल्ली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने रिपोर्टेडली जैकलिन फर्नांडिस को उनके बर्थडे पर एक यॉट गिफ्ट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुकेश ने एक लेटर लिखकर एक्ट्रेस को ये बताया और उनसे प्रॉमिस किया है कि लेडी जैकलिन नाम की यॉट उन्हें इस महीने डिलीवर कर दी जाएगी। कॉनमैन ने अपने लेटर में कहा कि ये वही यॉट है जो उन्होंने 2021 में पसंद की थी। वेल, जैकलिन को अपनी बेबी गर्ल बुलाते हुए सुकेश ने जैकलिन को लिखे बर्थडे लेटर में कहा कि वो चाहते हैं कि जैकलिन के सारे सपने इस साल पूरे हो जाएं और ये भी कहा कि उनके थॉट्स और सोल फिजिकल सेपरेशन के बावजूद एक ही है। रिपोर्टेडली सुकेश ने लेटर में अपनी फीलिंग्स जाहिर करते हुए बताया कि वो उन्हें करते हैं कितना मिस और वादा किया कि जो भी दर्द उन्होंने दिया है उसका वो प्रायश्चित करेंगे। सुकेश ने 11 अगस्त 2025 को रोमियो एंड जूलियट स्टाइल में सेलिब्रेट करने का इंतजार करने की बात भी लिखी है। इसके अलावा अपनी लेडी लव जैकलिन के बर्थडे को खास और यादगार बनाते हुए सुकेश ने प्रॉमिस किया कि वो वायनाड केरला में लैंडस्लाइड विक्टिम्स के लिए 15 करोड़ रुपए डोनेट करेंगे और डिजास्टर से अफेक्टेड लोगों के लिए 300 घर प्रोवाइड करने का ऐलान भी किया।
बता दें कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के साथ जैकलिन का नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस के दौरान जुड़ा था। इस केस में जुलाई में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने जैकलिन को फ्रेश राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था, तो वहीं जैकलिन को पहले भी फेडरल एजेंसी ने इस केस में क्वेश्चन किया है जो अलेजेडली हाई प्रोफाइल लोगों को चीट करने से रिलेटेड है। ईडी ने अलेज किया है कि सुकेश ने इस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या इलीगल मनी का यूज जैकलिन के लिए गिफ्ट्स खरीदने के लिए किया था। हालांकि जैकलिन हमेशा से कहती आई हैं कि वो इनोसेंट हैं और उन्हें सुकेश के अलेजेड क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वेल जैकलिन कुछ भी क्यों ना कहती रहे, लेकिन जेल से उनके लिए आ रहे सुकेश चंद्रशेखर के ये लेटर से लोगों को यकीन होने लगा है कि दोनों के बीच रिश्ता काफी गहरा है और सुकेश भी उन्हें सेलिब्रेट करने का एक मौका नहीं छोड़ते। सनी कौशल ने एक्ट्रेस शर्वरी वाघ के साथ अपने डेटिंग रूमर्स पर किया रिएक्ट। अब क्या कर सकते हैं? क्या सनी और शर्वरी वाकई एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं? जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन में सनी कौशल ने शर्वरी वाघ के साथ अपने अलेजेड लिंकअप का बताया सच। वेल सनी कौशल जो रिसेंटली मूवी फिर आई हसीना दिलरुबा में नजर आए हैं, पर्सनल फ्रंट पर उनका नाम काफी टाइम से उनकी फॉर्मर को स्टार शर्वरी वाघ के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसे में जूम के साथ अपने रिसेंट इंटरव्यू में सनी ने एक्सक्लूसिवली स्पेकुलेशंस पर अपना रिएक्शन दिया और फैंस के उन्हें और शर्वरी को शिप करने पर अपने थॉट्स शेयर किए। सनी कौशल ने बताया कि कैसे जब वो किड थे तो भी वो एक्टर्स को एक साथ शिप करते थे, जैसे शाहरुख खान और काजोल को। When I was young, I would ship people. Yeah, you know, it's like we have grown up doing that. Like for, I think for the longest time, I felt that they are like, you know, when you're a kid, you don't know anything. You feel anything. Like they're the couple, like real life. They are real life couples. और अब सनी को ये सेम चीज खुद के साथ होते देख काफी इंटरेस्टिंग लगता है जब फैंस उन्हें और शर्वरी वाघ को एक साथ लिंक करते हैं। It's very interesting to see that happening to you and it's all in fun and games, yeah. But it's a form of love, you know, at the end of the day to see that people are so interested in you that they are taking out time and making these posts and shipping you guys together. So it's all fun and games. It's nice. वहीं जब सनी कौशल से जूम के कैमरेज पर पूछा गया कि क्या वो सिंगल हैं, तो सुनिए आया उनका ये जवाब। So you're saying you're single and you're not dating anyone? Yes. I don't know this. He's smiling though, but okay. Yeah, because everybody has been asking me this off late for some reason. आपको बता दें सनी कौशल और शर्वरी वाघ अक्सर सोशल मीडिया पर एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। पहले सनी ने शर्वरी की अपकमिंग फिल्म विदा के लिए शाउट आउट दिया था और अब रिसेंटली शर्वरी ने सनी के काम की तारीफ की उनकी फिल्म फिर आई हसीना दिलरुबा में। शर्वरी ने इंस्टाग्राम पर रोमांटिक थ्रिलर को रिव्यू करते हुए सनी के साथ उनकी सभी को स्टार्स को प्रेज करते हुए लिखा, व्हाट एन एक्साइटिंग वॉच, आई वॉज एट द एज ऑफ माई सोफा एट सनी कौशल, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, तापसी, विक्रांत मासी, द थ्री ऑफ यू ऑल हिट इट आउट द स्पार्क। इस पर सनी ने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए उनके क्यूट निकनेम शारू से बुलाया उन्हें। एसआरके के बेटे अब्राहम खान का होने जा रहा है फिल्म्स में डेब्यू। फाइनली एक फिल्म के ट्रेलर में फैंस को सुनने को मिली एसआरके के यंगेस्ट सन अब्राहम की आवाज। कौन सा है खान फैमिली का ये स्पेशल प्रोजेक्ट? वेल मुफासा द लायन किंग का ट्रेलर हाल ही में हुआ रिलीज और फैंस रह गए सरप्राइज्ड टू नो इस फिल्म में एसआरके और आर्यन खान के साथ इस बार अब्राहम खान ने भी अपनी आवाज दी है। मुफासा जूनियर की आवाज को अब्राहम खान ने डब किया है एंड वी हैव टू से वो ऑलरेडी प्रोफेशनल आर्टिस्ट लग रहे हैं। खुद शाहरुख के इस एसोसिएशन से खुश हैं क्योंकि उन्हें पहली बार अपने दोनों बेटों के साथ एक प्रोजेक्ट में काम करने का एक्सपीरियंस मिला है। एसआरके ने अपने इस एसोसिएशन पर कहा, मुफासा हैज एन इनक्रेडिबल लेगेसी एंड स्टैंड्स एज द अल्टीमेट किंग ऑफ द जंगल इम्पार्टिंग हिज विजडम टू हिज सन सिम्बा। आई डीपली रिलेट टू हिम एज अ फादर एंड ऑल्सो रेजोनेट विद मुफासाज जर्नी इन द फिल्म। मुफासा द लायन किंग डिपिक्ट्स मुफासाज लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू हिज
his rise as an incredible king. And revisiting this character has been exceptional. It is a special collaboration for me with Disney, particularly because my sons Aryan and Abram are part of this journey, and sharing this experience with them is truly meaningful. Mufasa the Lion King की कहानी यंग मुफासा और उसके फ्रेंड टका के इर्द गिर्द घूमती है और उनकी फ्रेंडशिप बॉन्ड और स्ट्रगल्स पर बेस्ड है। इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन ये रिलीज होगी साल के एंड यानी 20 दिसंबर को। I don't see myself like that. I see all of the lows. I see all of the days that I didn't want to get out of bed. I see the crying. I see the constant asking my mom if I'm going to be okay. That's not superhuman strength. That's a little girl in there as well who is just weak and wants to get better. But I think that also it's important to understand that those moments pass. Naga Chaitanya se separation ke baad Samantha thi kafi depressed and in negative zone. और अब एक बार फिर जबकि समांथा के एक्स हस्बैंड नागा चैतन्या की एंगेजमेंट की न्यूज सामने आई है, समांथा का ये कन्फेशन वायरल हो रहा है। I see all of the days that I didn't want to get out of bed. I see the crying. I see the constant asking my mom if I'm going to be okay, और अब नागा चैतन्या के डैड नागार्जुन ने रिवील किया है कि समांथा से डिवोर्स के बाद नागा चैतन्या भी काफी डिप्रेस्ड हो गए थे एंड ही वाज इन अ वेरी डिफिकल्ट फेज। टाइम्स नाउ के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नागार्जुन ने अपने बेटे की हार्ट ब्रेकिंग कंडीशन पर बात करते हुए कहा, It has not been an easy time for Chai or the family. The separation left him very depressed. My boy does not show his feelings to anyone, but I knew he was unhappy. To see him smile again, Shobhita and Chai make a wonderful couple. They love each other dearly. जी हाँ, नागार्जुना ने पूरी तरह से अपने बेटे को सपोर्ट किया है और उनका कहना है कि फाइनली उनका बेटा शोभिता धुलीपाला के साथ एक गुड स्पेस में है। वहीं नागार्जुना ने ये भी कहा कि उनकी एक्स डॉटर इन लॉ से अभी भी वो अच्छा इक्वेशन शेयर करते हैं और वो हमेशा रहेगा। आगे नागार्जुना ने उस रूमर को भी खत्म किया जो कि सोशल मीडिया पर क्लेम किया जा रहा था कि नागा चैतन्या की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट ठीक 8 तारीख को इसलिए हुई क्योंकि इसी दिन समांथा ने नागा चैतन्या को प्रपोज किया था। इस रूमर पर नागार्जुना ने कहा कि 8th एक ऑस्पिशियस डेट थी, इसलिए ये न्यूज इस दिन अनाउंस की गई। वेल, नागा चैतन्या की लव लाइफ हमेशा से फैंस के बीच टॉकिंग पॉइंट रही है एंड नाउ वी होप उनकी लाइफ की सेकंड इनिंग्स शुरू होने के बाद वो बस यही होप करेंगे कि बार बार उनकी पास्ट लाइफ की कॉन्ट्रोवर्सीज उनके फ्यूचर रिलेशनशिप्स को ना करे अफेक्ट। आई डोंट सी माई सेल्फ लाइक दैट। आई सी ऑल ऑफ द लोज। आई सी ऑल ऑफ the days that I didn't want to get out of bed. I see the crying. I see the constant asking my mom if I'm going to be okay. That's not superhuman strength. That's a little girl in there as well who is just weak and wants to get better. But I think that also
it's important to understand that those moments pass. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sara ji. सारा अली खान जो अपना 29th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और इस स्पेशल डे पर करीना कपूर खान ने उन्हें विश किया। सारा और सैफ अली खान का एक अनसीन मोनोक्रोम पिक्चर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग सारा, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड पम्पकिन सब्जी योर वे। अनन्या पांडे ने भी सारा को एक स्वीट पिक्चर के साथ बर्थडे विशेस भेजी और अपनी स्टोरी पर लिखा, इट्स योर बर्थडे, बी हैप्पी एंड ईट दैट केक एंड देन सम मोर एट सारा अली खान, लव यू। अनन्या पांडे शिव भक्ति में डूबी नजर आई। एक्ट्रेस ने होली मंथ ऑफ सावन में शिव पूजा की और सावन का सोमवार सेलिब्रेट करते हुए शेयर की अपनी ये सीरीन पिक्चर। आप देख सकते हैं प्रिंटेड ब्लू और व्हाइट कुर्ता में अनन्या कितने ग्रेसफुली एक खूबसूरत पूजा सेटअप के पास बैठी है। इस पिक्चर को उन्होंने कैप्शन दिया, श्रवण सोमवार। अनन्या के इस पोस्ट पर उनकी मदर भावना पांडे ने रिएक्ट किया है। रानी मुखर्जी और करण जौहर 13 अगस्त को ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट हाउस में एक कीनोट एड्रेस डिलीवर करेंगे। ये प्रेस्टीजियस ऑनर 15th एनुअल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM से पहले आया है, जो 15 अगस्त से शुरू हो रहा है। इस दौरान रिपोर्टेडली करण और रानी सिनेमा की पावर जो कल्चर्स को ब्रिज करता है और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अक्रॉस ऑडियंसेस को यूनाइट करता है के बारे में बात करेंगे। ये दोनों सेलिब्रिटीज को रीसेंट प्रोडक्शन TT जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई थी उसके बाद इनवाइट किया गया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म शेरशाह के 3 साल पूरे होने पर शेयर किया एक इमोशनल नोट, जिसमें उन्होंने लेजेंडरी कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाने की अपनी जर्नी के बारे में बात की। एक्टर ने शेयर किया कि विक्रम बत्रा की फैमिली से मिलना उनके लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था, जिसने उनके पोर्ट्रेयल को और भी गहरा बना दिया। सिद्धार्थ ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया और ये भी हाईलाइट किया कि कैसे फिल्म की लीगेसी लोगों को आज भी इंस्पायर करती है। He wrote, "Here's to celebrating the legacy of a real hero and the memories we created."